तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेसेस। देखिए, जब भी कोई सिलेंडर के अंदर, ठीक है, हम स्टीम डालते हैं, जैसे मान लो कोई बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर है, उसके अंदर हाई प्रेशर वाली स्टीम है, तो वो स्टीम उसको अंदर से प्रेशर जनरेट करती है, फोर्स लगाती है। अब अगर तो उस सिलेंडर के अंदर ताकत हुई, उसकी मटेरियल के अंदर ताकत हुई कि वो उस स्ट्रेस को सहन कर लेगा, उस फोर्स को सहन कर लेगा, जो अंदर से लग रही है फोर्स उसको वो सहन कर लेगा, उसके मटेरियल के अंदर इतनी ताकत हुई तो ठीक, नहीं तो वो कुछ इस तरह से टूट जाएगा, हाफ पोर्शन में इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक थिन सिलेंडर की बातें करेंगे, ये अभी थिक सिलेंडर की बातें नहीं कर रहे हैं, तो थिन और थिक में फर्क है, ये हम सिलेंडर वाले चैप्टर में देखेंगे, तो उसके कारण देखेंगे कैसे कैसे होता है चेंजेस। तो देखिए, इस तरह से सिलेंडर है हमारे पास और अंदर से फोर्स जनरेट हो रही है, प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा, और इसके मटेरियल में ताकत नहीं थी, इसलिए ये हाफ में टूट गया, ऊपर से टूट गया ऐसे, ठीक है, आधा पोर्शन अलग हो गया, आधा पोर्शन ये है। तो इसका ये सर्कमफ्रेंस, अब देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यही होता है ना सर्कमफ्रेंस, तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेसेस। और इसकी स्ट्रेसेस को दिखाने कहां पे दिखा सकते हैं हम, यहां पे, कि यहां पे ये स्ट्रेसेस जनरेट हुई थी और जिसके कारण क्या हुआ कि ये टूट गया यहां से, ठीक है। तो फिर स्ट्रेसेस विच एक्ट्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, सिंपल सी मतलब इसकी डेफिनेशन है और इसको आप समझ सकते हैं। अब ये यहां से टूट गया, अब काम तो अब शुरू हुआ कि हमें ये स्ट्रेस, ये फोर्स, ये प्रेशर सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कहां से टूटा, किस तरह से टूटा, हमें तो देखना पड़ेगा। अगर इसको ये क्या कहता है कि ये एक्स एक्सिस मान लेता है, तो ये यहां से टूट रहा है एक्स एक्सिस से, और इसकी जो डायमीटर है वो हम मान लेते हैं, चलो डी डी माइन मान लेते हैं इस डायमीटर को, और इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, इसको एल मान लेते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर हम एल मान लेते हैं, मतलब ये एल है, सिंपल है। अब देखो, आपको एक ही चीज समझनी होती है मैकेनिकल में, ठीक है, वो क्या है, वो है रस्साकसी की गेम, ठीक है। रस्साकसी की गेम क्या होती है कि एक बंदा इधर से खींचता है और दूसरा इधर से खींचता है, और जो खींच के ले गया वो जीत गया, ठीक है, यही होता है ना, तो जो खींच के ले गया वो जीत गया। तो हमारे पास इसमें कहीं भी देखना, मैकेनिकल में आप खास करके यही देखना, फिजिक्स में जो अप्लाइड फिजिक्स है यही होता है कि हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं हमेशा, जो ज्यादा होगी वो जीत जाएगी, ठीक है, सिंपल सी है। अब इसमें ये दो फोर्सेस कौन कौन सी है, एक तो है फोर्स ये वाली जो इसको तोड़ना चाहती है, एक ये फोर्स है जो इसको बचाना चाहती है, इनमें लड़ाई चल रही है। ये वाली फोर्स है ये अंदर से लग रही है, और जो इसको बचाने वाली फोर्स है वो सर्कमफ्रेंस पे लग रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे लगने वाली उसको हम कहेंगे स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, और जो अंदर से है वो है प्रेशर, तो बर्स्ट कर रहा है, ये इंटेंसिटी है प्रेशर की, देखनी पड़ेगी किस तरह से है, उसके कारण ये तोड़ना चाहता है बाहर की ओर है और ये बचाना चाहता है, और अगर ये तोड़ने वाला ज्यादा हुआ तो ये तोड़ देगा इस तरह से, अगर ये बचाने वाले इसमें स्ट्रेस में ताकत हुई कि नहीं मैं बचा सकता हूं, मेरे में मटेरियल में ताकत है तो ये बचा लेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्सेस को बराबर रखना पड़ेगा, तो तोड़ने वाला और बचाने वाला, ठीक है। अरे यार, पता क्या होता है, हम जब इंग्लिश में वर्ड देखते हैं ना तो हमें ये लगता है पता नहीं क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है, ठीक है, कि ये पता नहीं क्या वर्ड आ गया, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आ गया, कुछ नहीं होता, बस हमें दिक्कत है कि हमारी आम भाषा में ये वर्ड यूज नहीं हो रहे होते, इसलिए हमें थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो ये कुछ नहीं है, तो मैं इसको हिंदी में जान के लिख रहा हूं, तोड़ने वाला ये फोर्स और ये बचाने वाला, कि टूटे ना, वो
सिलेंडर जो है वो टूटे ना, तो दोनों में रस्साकसी की गेम हो रही है, दोनों है, समझ रहे हो। तो ये तोड़ने वाला पहले देख रहे हैं कि तोड़ने वाला जो है वो कौन सा है, तो इसको हम कहेंगे बर्स्टिंग फोर्स, बर्स्टिंग, ठीक है। तो ये तोड़ने वाला है, बर्स्ट करने वाला है फोर्स, उसको हम देखेंगे वो किस तरह से होगा। अब आपको पता होगा कि प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं यहां पे लिख दूं फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया को इस साइड ले जाऊं तो फोर्स निकल आएगा, एरिया इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। अब ये प्रेशर कौन सा है, ये यहां से अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, स्टीम का प्रेशर जो लग रहा है वो क्या है, पी, मान लेते हैं वो पी है, तो चलो पी। एरिया, अब ये कौन से एरिया पे फोर्स लगा रहा है, तो आप देखो ये जब गोल एरिया अंदर से देखेंगे तो वो किस तरह से होगा, इसका डायमीटर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहां पे दिख जाएगा, यहां पे दिख जाएगा कि ये तोड़ने वाला फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, ये यहां पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पूरे डायमीटर पे, डायमीटर पे एक्ट कर रहा है और इसकी लेंथ पे, तो ये सारे पे कर रहा है, अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है यहां पे, ये एक्ट कर रहा है यहां पे अंदर वाले पोर्शन पे। तो अंदर वाला जो पोर्शन ये है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर इसको ये देखा जाए कि ये डायमीटर है डी और ये क्या है इसकी लेंथ, यहां से लेके ये डायमीटर हम देख लें, तो इसकी ये जो डायमीटर है और ये लेंथ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एरिया। तो हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इंटू एल, इस पे क्या लग रहा है, तोड़ने वाला फोर्स। अब बचाने वाला फोर्स कौन सा है, तो बचाने वाला मतलब रिजिस्ट करने वाला, तो रिजिस्टिंग फोर्स, रिजिस्टिंग फोर्स वो कौन सा है, वो देख लेते हैं, वो कहां पे लग रहा है, वो सर्कमफ्रेंस पे लग रहा है। तो फिर से वही बात, स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास, स्ट्रेस होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, वही सेम बात है ना, एरिया इस साइड आ जाएगा तो फोर्स निकल आएगा, है ना। तो मेरे पास फोर्स इंटू एरिया, ठीक है, सॉरी स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, ये वाला था ना, ये वाला फॉर्मूला, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो जो स्ट्रेस है हमारे पास वो हम कौन सी स्ट्रेस लिखेंगे, इसे हूप स्ट्रेस, हूप स्ट्रेस लिखेंगे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लिखेंगे, जैसे आपने लिखना है लिख सकते हैं। और एरिया, अब देखो एरिया, एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं हम, एरिया निकाल सकते हैं हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास इसकी अगर टी थिकनेस मान ले, टी थिकनेस मान ले, बहुत कम है लेकिन इसको हम मान लेते हैं टी थिकनेस मान लेते हैं, और ये लेंथ है एल, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो क्या है, एल, एल। अब एक चीज देखो, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है टी। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे अगर लग रहा है स्ट्रेस यहां पे है, तो यहां पे भी तो है, तो ये सेम है, तो इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। अब हमारे पास था क्या, हमारे पास था तोड़ने वाला और बचाने वाले को इक्वल कर दो, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो पी इंटू डी इंटू एल, वो किसके इक्वल रख देंगे, स्ट्रेस हूप स्ट्रेस इंटू टू इंटू एल इंटू टी, इसके इक्वल रख देंगे। अब इसमें से सिर्फ हूप स्ट्रेस निकालनी है और हमें आंसर निकाल लेना है, ठीक है। हम हमारे पास जो जो कटता है हम काट देते हैं, एल एल कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास यहां पे हूप स्ट्रेस रह रहा है, हूप स्ट्रेस कैसे निकल जाएगा, वो पी डी, ये नीचे आ जाएगा टू टी, लीजिए ये हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है, पी डी बाय टू टी, पी डी बाय टू टी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा हूप स्ट्रेस का। तो इस तरह आप हूप स्ट्रेस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसी में होगा लेकिन थोड़ा अलग होगा,
ठीक है, ये चीज आपको समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि ये ना कि मैं जो समझा रहा हूँ वो सही समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा, वो मुझे पता लगे। ठीक है, आपको अगर समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।